ओके तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए फ्रेश व्लॉग के अंदर। आज का दिन की शुरुआत थोड़ी बहुत भयानक सी हुई है। कल मेरा बैग खो गया था, बहुत सारी परेशानियां आया, कल पूरे दिन एयरपोर्ट भटकता रहा, बट फिर भी मेरा बैग नहीं मिला मेरे को। आज लैन है तो लैन पे फोकस करूंगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। बाकी हमारी पूरी टीम आ चुकी है, ये MJ बैठा है, ये हमारे ज़ैब भाई, हेलो, मारना है आज पूरा, आयुष भाई फुल एकदम ग्राइंड चल रहा है, लेजेंड और आयुष का 1v1 हो रहा है, ये चल रहा है। देखो ये थोड़ा मैस पड़ा हुआ है, खाना वाना पड़ा हुआ है, खाना खा रहे थे। बाकी अभी निकलते हैं गाइस फटाफट नीचे लॉबी में, जहाँ से हम लोगों को कार पिक करने आएगी, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वेन्यू पहुंचेंगे जहाँ पे हमारा आज का प्लान है। हमारे पुराने मित्र हमें मिल चुके हैं, कैसे हो नयन भाई? कैसा है पार्टी, तू क्या चल रहा है? तुमने मेरे को मिस किया? बहुत ज्यादा मिस किया, अभी मैं ऊपर आया था मिलने। ये तो रिकॉर्डिंग के लिए करना पड़ता है कभी कभी ना, सच नहीं बोलना था। इट्स ओके, नए नए लोग के साथ कितने लोग हैं? आँखों में तेरी अजब सी अदाएं। आयुष भाई कैसा लग रहा तुम्हारा सेकंड लैन है? मजा आ रहा है, पहले वाले में तो बहुत नर्वस हो गए थे, तुम इस बार तो तुम मचाओगे बहुत ज्यादा। बाकी ज़ैब भाई थोड़ा मोटिवेशन लाओ ना भाई। लेजेंड भाई क्या प्लानिंग है आज की? फुल प्लानिंग मस्त है। क्या पेन देंगे सर? कास्टर प्रेडिक्शन आई भी भाई, अंडरडॉग को हल्के में नहीं ले सकते, तो सबसे ज्यादा ग्राइंड मेरे हिसाब से CS का जिस टीम ने किया होगा तो वो HN है, क्योंकि वो CS की बहुत इलीट टीम है। हाँ अंडरडॉग है बट चांसेस है, HN के चांसेस लग तो रहे। और फाइनल्स में उनके अगेंस्ट कौन सी टीम होगी? माफियाज या TSG? फाइनल में माफियाज मतलब क्लैश स्क्वाड में उतनी वो नहीं है, एक्सपीरियंस टीम नहीं है, तो जहाँ तक TSG के चांसेस ज्यादा लग चांसेस लग रहे हैं, बट वो तो कुछ भी सकता है क्योंकि एक्सपीरियंस उनको ओवरऑल तो है, सिनर्जी उनकी अच्छी है। लेट्स सी क्या होता है। गाइस यहाँ पे हम लोग आए हुए डेढ़ से दो घंटा, तीन घंटा हो गया, जो दो घंटा हो गया और अभी लैंड डेढ़ घंटा और डिले होने वाला है, 4 बजे होने वाला था गाइस। हाँ और डेढ़ घंटा बोला, लेकिन अभी अपने को ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि और ये तो फिर भी 2 बजे आए, बाकी प्लेयर्स तो टीम वगैरह तो 11 बजे से आएगी। ये अभी ये लैंड नहीं होगा आगे, कंटिन्यू पुलिस ने छापा मार दिया है और हमें बोला गया है कि कुछ देर में तुम्हें खबर मिल जाएगी, अपने अपने होटल जाओ सारे, और तो सारा डर का माहौल है। बाकी पीछे देख सकते हो आप, पीके भाई हमारे गलती से दूसरे गोला में पहुंच गए। ये गोला में मजा नहीं आ रहा गाइस, क्या हुआ अगर लैन नहीं हुआ तो हमारी तो प्रैक्टिस गई सब, हमारी उम्मीदों में पानी भर गया, इधर से उधर गए वो गया, तो लोग क्वालिफाई भी किए दो तो उनका क्या, अब क्या करें गाइस बताओ। अरे भाई क्या बताओ, बाहर पुलिस वाले आ चुके डंडे लेके, अभी वो उधर गए हैं पीछे, पता नहीं दो पुलिस वाले आए इतने बड़े बड़े डंडे लेके, अभी पता नहीं किसको मारने गए, कुछ तो बहुत गलत लोचा होने वाला है अभी। इधर सारी ऑडियंस है पीछे, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या होता है। गाइस पहचानो इसको कौन है, HN का प्लेयर है, काफ़ी दमदार, कभी कमेंट्स में बताओ नीचे। अच्छा नहीं पहचान पाए, मैं बता, इसका नाम है अर्नव। अर्नव भाई कैसा लग रहा है आपका फर्स्ट लैन? बढ़िया भाई, इतना वाहियात, बहुत खराब है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। मैचेस हो जाए, मैं मैचेस खेल के घर निकल जाऊंगा, बस खत्म, लोग को तो नहीं करना। ओके तो गाइस फाइनली सबर समाप्त हुआ, लैन चालू हो चुका है, पहला मैच हिंद और HN वालों का है, क्योंकि हमारा पहला मैच वैसे होने वाला था माफिया के साथ, लेकिन माफिया निकल गई होटल पे, अभी वो वापस आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि लैन बंद होने की कगार पे आ गया था, बट फाइनली हो रहा है अब, एंड इसके बाद हम लोगों का मैचेस है तो हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं। वो देखो सामने कैमरे चल रहे हैं, ऑडियंस तो है काफ़ी ज़्यादा, इधर आप लोग स्टेज भी देख सकते हो लेफ्ट में, वेट कर रहे हैं हम लोग भी, देखते हैं क्या सीन रहेगा माफिया के साथ हम लोगों का। चलते हैं मिलते हैं डायरेक्ट स्टेज पे। Two Side Gamers Army.
कर दिया है, लेवल लेफ्ट लगाया है आगे जाने की कोशिश, और पीछे तो देखो भाई पीछे यहाँ पे पहाड़ी है और मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एंड डेफिनेटली गेम खराब किया पहाड़ी ने, और कोशिश जारी है यहाँ पे वापस से रिवाइव दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो पहाड़ी का पीछे जो कवर आया इसने पूरा गेम चेंज करके रख दिया। अभी दो प्लेयर बचे हुए पहाड़ी और आयु, एंड देखते सामने क्या होने वाला है। माफिया बालों को लॉक किया है, अकेले प्लेयर आई थिंक बचे हुए, और यहाँ पे क्या इस मैच को निकालेंगे। एक और शॉट कनेक्ट किया, किस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्सेस के साथ खेल रहे हैं, लीजिए पिस्टल से फिनिश ऑफ कर दिया है, लो कर दिया है ऑलरेडी, प्रेशर बना हुआ है, कवर आ रहा है पहाड़ी के कवर में, यहाँ पे माफियाज का खेल खत्म हो जाएगा। देखिए पहाड़ी की जो यहाँ पे एड ऑन था हमारी टीएलजी के अंदर वो यहाँ पे काबिले तारीफ था, बट अभी भी विधायक जी बोल रहे हैं कि अभी भी हम हार मानने को तैयार नहीं है, अभी भी यहाँ पे कमबैक करने के लिए तैयार है, जाको नॉक किया लेकिन गेम को जीतेगी, कहीं ना कहीं पुरानी राइवलरी हेल्दी राइवलरी एंड इस मुकाबले को टीएलजी आर्मी जीत के जाएगी। गाइस लैन कैंसिल, माँ कसम, माँ कसम, माँ कसम, क्या मैच किस लिए भाई, क्या कह रहे हो, ट्रॉफी तो यहाँ रखी हुई है, वो बोल रहे हैं कि लैन कैंसिल अभी जो बचा हुआ है वो ऑनलाइन होगा, जो भी जीतता है ट्रॉफी या प्राइस वगैरह वो सब उनको घर पे भेज जाएगा। ये क्या बात हुई, क्यों वेट कर रहे हैं, चल भाई चल भाई, हो गया मतलब इससे भाई याद कुछ नहीं हो सकता है गाइस, या मैन चलो कोई बात नहीं, आयुष तुम भी कुछ कह दो भाई, कुछ नहीं कहना गाइस, बहुत लग चुके हैं भाई, बहुत ज्यादा लग चुके हैं भाई, बहुत वाहियात, बहुत ज्यादा वाहियात था, पता नहीं क्या हुआ बैकएंड में, कैसे क्या मैनेज कर रहे थे, क्या चल रहा था, आई डोंट नो, मुझे खुद भी नहीं पता, बट हाँ अरे भाई लॉक कर रहा हूँ भाई मैं, ऐसे कैसे देख रहे हो सब, अरे नहीं प्रैंक नहीं कर रहा हूँ यार, पागल है क्या, प्रैंक क्यों करूँगा भाई, इन्हें लग रहा है ना प्रैंक कर रहा हूँ इनके साथ, तो चलो पूछ, चलो अभी पूछवा नैन भाई क्या सीन है, बताओ इन्हें बताओ, तेरे लिए मैं वो एक ही गाना सोच रहा है, खड़ा हूँ आज भी यहाँ, इन्हें लग रहा है मैं प्रैंक कर रहा हूँ इनके साथ, ये बोल रहा है कि अभी मैच नहीं हो गए, यही बोल रहा है पहाड़ी, अबे भाई बोला मेरे को नहीं हो रहा मैच, रुक वो कहां गया, वो कौन था स्टैंड वाला जो मैनेज करता था, नितिन भाई यहां पे जो हो रहा है क्या हो गया, भाई मजा आया क्या, फाइनल करो जीत में डालोगे, ट्रॉफी उठा के फिर ये बंदे आके खत्म कर दिए वहां पे, बच्चे झंडे वंडे लेके भाई डाल देंगे तुम्हारे भाई को अंदर, फाइनल ऑनलाइन एक ना मेरा इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा हां मैं अपनी ऐसी एक इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम डालूंगा एक सेकंड के लिए, एक सेकंड सीधा मुझे तुमको अंकल पे भैया को बनाने बोला, क्या रील बनानी है भैया, काफी लेके चलो कहां, नहीं गए नहीं, वो कहां गए फेमस थे क्या, वो उतरा ना, हां वो अंदर चले गए उधर, वो कौन थे पहले, क्या हुआ क्या हुआ भैया, तो भैया लाइव कोई मसाला देके जाएंगे, रील बनानी है, उसका नाम है रील बनाना, पेज है उन्हें पता ही नहीं है, वो हमसे पूछ रहे कि कोई है क्या, कौन है फेमस, वो आया था ना अभी, हाँ वो चाह रहा था कि वो सर्च करे उसका, अच्छा मुझे लगा कुछ मसाला देने वाले उनके साथ कुछ हो गया है, वो अपनी बातें शेयर करने वाले, बताओ मेरे को, मैं बताऊंगा अब क्या करना है, चलो गाइस पीस गुड नाइट सभी लोगों को। तो गाइस जैसी एक्सपेक्टेशंस थी इस लैन से, हम लोगों को जैसा बोला गया था वैसा नहीं हुआ, काफ़ी टाइम के बाद एक अनऑफिशियल लैन हो रहा था, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस लैन के लिए, क्योंकि भाई एट द एंड इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ई स्पोर्ट्स के लिए, तो सोचा कि ये लैन इतने टाइम बाद हुआ है और मेरी लाइफ का सेकेंड लैन था ये, और इस लैन के लिए मैंने और मेरी टीम ने काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड भी किया था, हम लोग रोज़ प्रैक्टिस कर रहे थे तीन तीन चार चार घंटा, बट लास्ट में जाके हुआ क्या, लैन कैंसिल, एंड अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि अभी ऑनलाइन कब होगा, कैसे होगा, कितनी डेट को होगा, बहुत ख़राब रहा मैनेजमेंट, दोपहर 2 बजे से हम लोग वेन्यू के अंदर आए हुए थे, एंड उधर बैठने के लिए भी कुछ खास इंतज़ाम नहीं था, लेकिन हमने बोला यार कोई बात नहीं, इतनी भीड़ भड़ाका है, 200 क्रिएटर्स इन लोगों ने बुला रखे हैं, ऊपर से फ्री फायर का लैन भी है, तो हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, बस होप यही थी कि ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल जाए, हम लोगों के सारे मैचेस हो जाए, ट्रॉफी वगैरह अच्छी बना रखी थी इन लोगों ने, प्रॉपर ट्रॉफी उठाई जाए,
एंड एक इज्जत से हम लोग यहाँ से जाए। जिस चीज़ के लिए मैं लखनऊ गया था वो चीज़ तो नहीं हो पाई। आशा करते हैं इन फ्यूचर गेम जल्दी आए, क्योंकि अभी इससे ज़्यादा पेशेंस मेरे अंदर भी नहीं है। और बात रही ई स्पोर्ट्स की, तो 2025 भी वैसा ही गया 2024 जैसा, तो शायद ये मेरा लास्ट साल होगा, इसके बाद शायद ही मैं कंटिन्यू करूँ ई स्पोर्ट्स को। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे मैं थोड़ा कॉन्टेंट में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, हालांकि मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ, बट उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से पहले चला करता था, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा माहौल सीरियस रहता था, प्रॉपर टूर्नामेंट्स रहते थे। अभी देखो कुछ ज़्यादा खास फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है ई स्पोर्ट्स के अंदर। आने वाले 2-3 सालों में शायद चीज़ें और अच्छे से जाए, बट अभी फ़िलहाल 2025 मुझे लगता नहीं है, बट फिर भी देखते हैं, एक होप अंदर है छोटी सी। बाकी व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।